दीपर बालाजी से केला देवी की तरफ चल रहे हैं, तो सभी लोग अपनी सीटों पर विराजमान हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे हैं, तो अब आगे मिलते हैं आपको केला देवी में। जय माता दी भक्तों, जय केला मैया की। दोस्तों, करौली में केला देवी मंदिर हिंदुओं का धार्मिक मंदिर है, जिसे देवी दुर्गा की 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। करौली शहर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर काली नदी के तट पर केला देवी मैया का मंदिर बना हुआ है। केला देवी इस मंदिर में देवी के रूप में स्थित हैं, जिसे हर साल लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। केला देवी मैया को मानव जाति की रक्षिका माना जाता है। यह मंदिर करौली साम्राज्य के रियासत जादौन राजपूत के शासकों द्वारा बनवाया गया था। महाराज गोपाल सिंह जी ने 1723 में इस मंदिर की नींव रखी और 1930 में बनकर ये मंदिर पूरा हुआ। दोस्तों, ये त्रिकूट पर्वत की थंकला है। बताया जाता है कि आम जनता के दुख निवारण हेतु मां केला देवी ने इस स्थान पर अवतरित होकर नकरासुर का वध किया, जो एक असुर था। तो ये वह जगह है जहां पे मां ने असुरों को मारा था। तो यहां पे देखिए किस हिसाब से भीड़ है और कितना अच्छा पर्वत है, लोग यहां पे दर्शन कर रहे हैं। कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें चंबल नदी और काली नदी दिखाई दी। यह राजस्थान की प्रमुख नदियों में से है। इसे महाकाली और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपने चंबल के बारे में काफ़ी सुना होगा बचपन में, चंबल के डकैत, चंबल के डाकू, तो ये वही एरिया पड़ती है। मित्रों, मान्यता ऐसी है कि केला माँ के भक्त दर्शन से पहले इस काली नदी पर नहाकर करौली माता अंजनी माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो यह वह घाट है जहां पे हजारों भक्त पूजा करने से पहले डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, अब पार्किंग में बस खड़ी करने के बाद हम सीधे केला देवी के मंदिर जा रहे हैं। ये आपको दूर से जो लाइटिंग दिखाई दे रही है, ये माता रानी का दरबार है। अभी हम ये नदी क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 8:30 बजे हुए हैं, तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो देखते हैं कितने समय में माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। कुछ लोगों ने बस में आना उचित नहीं समझा, कुछ लोग रुक गए, बाकी के सभी लोग आए हैं। तो जय माता दी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये विशाल की लड़की सबसे पहले इसने हाँ किया था जाने के लिए। अक्षो, अक्षो इधर देखो, ये थक गई हैं, इनकी हिम्मत काम नहीं कर रही। हमको था इंतजार, वो घड़ी आ गई, होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई। होगी अब मन की हर पुराद पूरी, हरने सारे दुख, हम माता रानी के दरबार आ गए। दोस्तों, आज हम माता रानी के दरबार पहुंच गए। इसकी एक विचित्र कहानी है। हम महेंद्रपुर बालाजी से लगभग 2:30 बजे निकले थे, तो 6 से 6:30 घंटे का सफ़र करने के बाद हम केला देवी पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे रोड पे काफ़ी भीड़ थी, जो पदयात्रा कर रहे थे लोग, उनकी वजह से वो 100 किलोमीटर का सफ़र हमारा 6:30 घंटे में हुआ। वहाँ पहुँचकर हमें पता चला कि 8:30 बजे माता रानी का दरबार बंद हो जाता है, तो हम 8:30 बजे बस स्टैंड पर ही पहुँचे थे। लेकिन किसी राहगीर और किसी भक्त ने हमें बताया कि आज माता रानी का दरबार 9:30 बजे तक खुला हुआ है। तो यह सुनकर मानो मन में एक उत्साह सा बढ़ गया। उसके पश्चात हम आगे बढ़े और अभी ये जो नज़ारा है, ये माता रानी के मेले का नज़ारा है।
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं माता रानी की भवन जाने के लिए, लगभग 8:45 हो रहे हैं, तो अभी हमें विश्वास है कि हम 9:15 बजे तक अंदर पहुंच जाएंगे और 9:30 बजे तक माता रानी के दर्शन कर लेंगे। दोस्तों, जो लोग पहली बार माँ केला देवी के दर्शन को आ रहे हैं उनको मैं यह बता दूं कि केला माता का जो अवतार है वो योग माया का अवतार कहा जाता है, जो कि देवकी और वासुदेव जी की जो 8वीं संतान थी, जिन्हें कंस ने उठाकर सिलाफे पटका था और उनके हाथ से छटक कर वो आसमान में चली गई थी, तो उसके बाद वो केला मैया यहाँ पे करौली में आके स्थगित हो गई थी। तो ये हैं केला मैया। मित्रों, दरबार तो बहुत से देखे होंगे लेकिन माँ केला देवी जैसा दरबार शायद ही किसी ने देखा। लोग तरस जाते हैं, लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के पश्चात। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि 9:30 बजे तक ही दर्शन खुले हुए हैं। तो बस मन में यही इच्छा है कि कैसे भी करके माता रानी के दर्शन हो जाएं, लाइन में लग के दौड़ के जय माता दी बोल के, जय माता दी बोल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब तो लगता है कि दर्शन हो ही जाएंगे, दिल में तो वो इच्छा आ ही गई कि अब दर्शन हो जाएंगे, तो बढ़ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। भीड़ नहीं है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि अभी 9:30 बजे तक माता रानी के दर्शन होंगे, तो इस वजह से भक्तगण रुक गए हैं। जिन लोगों को पता चल गया था वो दर्शन करने के लिए आ गए, तो हम पहुँच रहे हैं।